अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को। उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा, दोस्त हैं दोनों, इसीलिए करते हैं। कहते बस इसलिए। कहते मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के ज़माने में? कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा, फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया PF वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है, क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से। वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी, अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10% 15% 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, JPC बैठ गई, ED की जांच हो गई, CBI की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनकी उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा धीरे 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 उसकी बातों पर, पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया, ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। फिर वे धीरे धीरे उसने एक एक करके बातें खोल के समझानी चालू की। कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्षा हैं, राजापाक्षा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने
ने जबरदस्ती राजापाक्षा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्षा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इसराइल गए, इसराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी भाई प्राइवेट प्लेयर आके लोग। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिए जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं हम कहते हैं भाई पाइए।